तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक और मजेदार वीडियो में। गाइस यहाँ पे आप देखो कितने बड़े साइज का एक तरबूज है और एक उससे छोटे साइज का खरबूज भी हम रखे हुए हैं यहाँ पे। और फंडा सिंपल सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रबर बैंड से कुछ, और ये छोटे साइज का रबर बैंड है। और इसको हम किसी तरीके से इस पर हम लगाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब हम ये एक रबर बैंड लगा रहे हैं तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इस पर, या फिर इस पर भी हम एक रबर बैंड लगा रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस पर हम एक के बाद एक बहुत सारा रबर बैंड लगाना स्टार्ट कर दें, कितने रबर बैंड लगाएंगे उसके बाद एक कोलैप्स होगा। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। हम एक के बाद एक रबर बैंड इस पर लगाना स्टार्ट करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज इस पे हम रबर बैंड लगाना अभी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो जितने भी रबर बैंड हम इस पे या फिर इस पे लगाएंगे उस सारे को गिनती करेंगे। एक एक रबर बैंड इस पे हम गिनती करेंगे, दो दो करके लगा देंगे अगर जल्दी हमें क्लियर करना है तो, लेकर बैठ गए तो करना पड़ेगा हमको। चलिए फटाफट से कुछ और बंदे को बुलाते हैं और इस पे लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कितने रबर बैंड पे जाकर कोलैप्स होता है और ये कितने रबर बैंड पे जाकर कोलैप्स होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चल आ जाओ। गाइज इस पर हम 50 अभी भी लगा चुके हैं, देख सकते हैं अभी भी इसका साइज कहीं से भी नहीं बिग रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे 50 रबर बैंड इस पर हम लगा चुके हैं, लेकिन अब देख सकते हैं थोड़ा सा भी इसका शेप नहीं ख़राब हुआ है। इस पर कितना है, इस पर देखो, इस पर लोग 80 लगा चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और 80 लगाने के बाद इसका हमको देखने में लग रहा है थोड़ा सा इसका अंदर की तरफ कोलैप्स हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं हुआ है। अभी और हम डालना जारी रखते हैं, देखते हैं कितना जाने के बाद ये फटता है या फिर क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो इस पर हम डालना स्टार्ट करते हैं, हमको लग रहा है कि एक लिमिट के बाद ये फट जाएगा। और ये 100 गाइज इस पे आप देख सकते हैं, इस पे हमने अभी तक 100 रबर बैंड, पूरे 100 रबर बैंड लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्का सा बैंड हुआ है, ये शेप इसका हल्का सा बैंड हुआ है, आप कैमरा में दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं इस साइड में हल्का सा बैंड हुआ है। और इस पे कितना हुआ, 137। इस 137 के बाद भी देख सकते हैं इसमें इससे ज़्यादा बैंड हुआ है। अभी इस पे और लगाना जारी रखता है, इस पे लगाना चालू रखो। अब इस पे 100 के बाद हम लगाना स्टार्ट करते हैं, 100 इस पे लग चुका है, आगे कंटिन्यू रखते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरे 150 रबर बैंड सभी लगा दिए, 150। और इस पे 200 लग चुका है और इसका साइज देख सकते हो पूरी तरीके से, इसका साइज जो है शेप कुछ इस तरीके का हो गया है। और इस पे 200 रबर बैंड सभी लगे हुए हैं, इस पे हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी गाइस लगता है ये पहले ब्लास्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके का शेप आ गया है इसका। अभी इस पे रबर बैंड हम लगाना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसको देखते हैं कितना रबर और रबर बैंड्स और ये सह पाता है। इस पे 150, अभी इसको ऐसे ही रोक देते हैं, 150 है मिथिलेश, उस पर डालो, तुम डालो, इस पर डालता है मिथिलेश अपना और इस पर हम डालते हैं। रुक जा, गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर 250 रबर बैंड्स लग चुके हैं और इसका शेप और ज़्यादा बिगड़ गया है, और ज़्यादा इसका शेप ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो गया है। अब इस पर 250 रबर बैंड्स यानी 250 रबर बैंड्स इस पर अभी लग चुके हैं, अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस पर 250 भी हम करते हैं। एक दो टूट भी जा रहा है इसमें, कितना हुआ, 186 हुआ है इस पर, 186। और इसको हम 250 भी, इसको भी पूरा कर लेते हैं।
गाइस यहाँ पे इसमें भी 250 है, इसमें भी 250, दोनों का आप सेप देखो एक बार। इसका कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, इसका तो अभी भी ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों में बराबर रबर बैंड्स है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे रबर बैंड्स हैं, तो अभी कंटिन्यू रखते हैं इस पर लगाना। एक समय के बाद ये लगता है फट जाएगा, इसका तो जल्दी फटने का चांसेस लग रहा है, तो सबसे पहले हम इसी में लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना जल्दी ये फटता है। 250 हो गया इसमें। ₹298, ₹300 हो गया इस पे, ₹300 हो गया। इधर इधर लेकर इधर लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। आप किस तरीके से निकलना स्टार्ट हो गया आप इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 300 पे आप पूरा फेस पे भी आ गया। यहाँ पे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रबर बैंड इस पे लगाए थे और ये खरबूजे का हाल देख सकते हो। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ही पड़ा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो इधर साइड में। और ये 300 रबर बैंड, मात्र 300 रबर बैंड से इसको पूरी तरीके से क्लैच कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी उस पर हम रबर बैंड लगाना अभी बंद किया है उस पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रबर बैंड लगाना अभी बंद किया है, ये कुछ इस तरीके का है अभी, और इस पर भी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इधर पूरा नीचे की तरफ बिखर गया है। मात्र 300 रबर बैंड इस पे अभी हमने लगाया है। इस पे कुछ और लगाया है, कितना था इस पे मतलब 268 के करीब इस पे था, तो इसका तो हाल बुरा हो गया। अब इस पे हम लगाना स्टार्ट करते हैं, ये कितना रबर बैंड को और सहता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए फिर से लगाना स्टार्ट करते हैं इस पे 270। इस पे लगा, लेकिन 300 के बाद इसका हाल एक बार देख सकते हो यहाँ पे। और 300 रबर बैंड के बाद इसका हाल आप देख सकते हो यहाँ पे। गाइस पे 500 रबर बैंड लग चुके हैं, अभी भी ये फटा नहीं। ये 300 पे फट गया अपना, यहाँ पे 500 रबर बैंड अभी भी लग चुके हैं, देख सकते हैं आप। 500 रबर बैंड इस पर लगा हुआ है और इसका सेप दो भागों में ऐसा लग रहा है, दो पार्ट में हो गया है। नीचे का अलग खुलता जा रहा है, ऊपर का अलग। ये पूरी तरीके से अंदर की तरफ कोलैप्स कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। लेकिन मेरे पास अभी रबर बैंड है तो लगाना जारी रखते हैं।
600 गाइस यहाँ पे 600 रबर बैंड्स लग चुके हैं, अभी 600 हो गया पूरा, अभी जारी रखते हैं इसमें। वो 300 फट गया है, 600 हो गया अभी गाइस, ये कभी फट सकता है। सौ 99 हो गया और एक और लगाते हैं, 700 हो गया गाइस अभी तक नहीं फटा है, 700 हो गया। चारों साइड से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं इस साइड में पानी निकल रहा है। थोड़ा दूर रहना कैमरामैन, थोड़ा दूर रहना, ये कोई फट सकता है। पूरे 700 और बेंट्स लगे हुए हैं इस पर गाइस, उसको फोड़ना बहुत आसान था, इसमें तो अभी लगता जा रहा है। चलो मिचले सुधरते हैं, दूर होके डालना, दूर होके। 700 हो गया है, 750 हो गया गाइस, 752, 56, 750, 54, 56, 56 गाइस आप यहाँ पे हालत देख सकते हो। एक बार एक तो उठकर कैमरामैन की तरफ भी आप देख सकते हो, इधर इधर गाइस इसका हालत अंदर का देखो आप, अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर पूरा इसका निकल चुका है। और जैसे ही मैंने 754 तक लगा हुआ था, 700 जैसे ही 56 मैंने दो रबड़ डालना चाहो, बहुत तेज़ से ब्लास्ट हुआ है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें भी रबड़ फंसा हुआ है गाइस। बहुत देर से लग रहा था इसका सेप बिगड़ता जा रहा था, कभी ब्लास्ट हो जाएगा, कभी ब्लास्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, रबर वहां तक गया, आप यहाँ पे देख सकते हो रबर का यहाँ पे गुच्छा कुछ और कुछ नीचे की तरफ यहाँ पे गिरा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बुरी तरीके से इसको फाड़ दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूरा खाली कर दिया अंदर से इसको। और ये अंदर की तरफ कोलैप्स हो रहा था काफी समय से, 750 रबर करीब इसमें लगा, 754 के करीब इसमें रबर लगा है, आप देख सकते हैं। ये जो फटा था अपना 300 पे ही फट चुका था, और एक शायद उससे कमज़ोर था इसके लिए फट गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 754 रबर पे जाकर फटा है, रबर बैंड पे। तो गाइस ये काफ़ी मज़ेदार वीडियो था, काफ़ी मज़ा आया हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे भी बिखर गया है, वहाँ तक दूर तक गया, दूर तक उधर तक निकल कर गया इसका अंदर का मटेरियल। तो गाइस बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।